हाँ जी, स्वागत है जी ठंडा पंजाब पंजाबी चैनल पर। तो असं कर रहे हाँ मास्टर ग्रेडर की तैयारी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। फर्स्ट है, गुरु नानक काल नाल संबंधित किस्साकार हैं दमोदर, पीलू, हाफिज बरखुरदार, उपरोक्त सारे। तो उपरोक्त सारे ही नानक काल नाल संबंधित हैं। कादर या ने किस्सा पूरन भगत रचिया 15 दिनों 16 दिनों 17 दिनों 18 दिनों। तो कादर या ने 16 दिनों किस्सा जिहड़ा सी उह रचिया पूरन भगत। निक्कियां कवितावां दा वड्डा कवि कहा जाता है मोहन सिंह नूं, संत सिंह सेखों नूं, बलबीर सिंह नूं, भाई वीर सिंह नूं। तां निक्कियां कवितावां दा वड्डा कवि कहा जाता है भाई वीर सिंह नूं। अगे है, पंजाबी साहित दा वुडवर्ड किस कवि नूं कहा जाता है? प्रोफेसर पूरन सिंह, विदाता सिंह तीर, रणधीर सिंह, भाई वीर सिंह। तो निक्कियां कवितावां दा पंजाबी साहित दा वुडवर्थ कहा जाता है भाई वीर सिंह। निरोल आत्मा दा कवि कहा जाता है, निरोल आत्मा दा कवि कहा जाता है प्रोफेसर पूरन सिंह नूं, विदाता सिंह तीर नूं, रणधीर सिंह जां भाई वीर सिंह। तां निरोल आत्मा दा कवि कहा जाता है प्रोफेसर पूरन सिंह। नव रहस्यवादी झुका दा मोढ़ी सी, मोढ़ी कौन सी? नव रहस्यवादी प्यारा सिंह पदम, हीरा सिंह दर्द, भाई वीर सिंह, मोहन सिंह। ते नव रहस्यवादी झुका दा मोढ़ी भाई वीर सिंह मन्या जाता है। अगे है 7 प्रश्न, पंजाबी साहित ते सूफी काव दा मोढ़ी सी, पंजाबी साहित ते सूफी काव दा मोढ़ी सी बुल्ले शाह, बाबा फरीद, शाह हुसैन, गुलाम फरीद। तो पंजाबी साहित ते सूफी काव दा मोढ़ी बाबा फरीद जी हैं। पंजाबी साहित दा बाबा बोहड़ है प्रिंसीपल तेजा सिंह, गुरदयाल सिंह प्रिंसीपल, संत सिंह सेको प्रोफेसर पूरन सिंह। तो पंजाबी साहित का बोर्ड है बाबा बोर्ड है प्रिंसीपल संत सिंह सेको। नाटक जगत दे बाबा बोर्ड हैं, ठीक है। इतने याद रखना पंजाबी साहित का बाबा बोर्ड प्रिंसीपल संत सिंह सेको, तो नाटक जगत का अगर पूछ लिया जाए तो उन्हां दा देखो कौन है, डॉक्टर हरचरण सिंह प्रिंसीपल संत सिंह सेखों, डॉक्टर गुरचरण सिंह, आई सी नंदा। तो नाटक जगत के बाबा बोहड हैं डॉक्टर हरचरण सिंह। अगे है, पंजाबी साहित विच नाटक दा पितामा है नोरा रिचर्ड्स, आई सी नंदा, भाई वीर सिंह, बलवंत गार्गी। तो पंजाबी साहित विच नाटक का पितामा है आई सी नंदा। हाँ जी, अगे 11वां प्रश्न है, पंजाबी साहित विच नावल का पितामा कौन है? भाई वीर सिंह,
हरचरण सिंह, गुरदयाल सिंह, नानक सिंह। तां नावल दा पुछा है जी, नावल दा पितामा नानक सिंह। पंजाबी साहित्य विच किस्सा काव दा मोटी है पीलू, वारिशा, दमोदर, हाशम। तो पंजाबी साहित्य विच किस्सा काव दा मोटी है दमोदर। पंजाबी नावल दा मुंशी प्रेमचंद किस नूं कहा गया है? नानक सिंह, संत सिंह सेखों, गुरदयाल सिंह, जसवंत सिंह कंवल। तो पंजाबी नावल दा मुंशी प्रेमचंद कहा गया है नानक सिंह। अगे हैं पंजाबी साहित्य विच प्रकृति दा शायर कौन है? भाई वीर सिंह, जगतार, साहिब सिंह, प्रोफेसर पूरन सिंह। तां प्रकृति दा शायर है भाई वीर सिंह। पहली स्त्री स्वय जीवनीकार कौन है? अजीत कौर, प्रभजोत कौर, अमृता प्रीतम, दलीप कौर टिवाणा। तां पहली स्त्री स्वय जीवनीकार है अमृता प्रीतम। वारी शानू सुखन दा वारस किस ने कहा? कुलवीर सिंह कांग, ईश्वर सिंह ईश्वर, गुरमुख सिंह, सरदार सूबा सिंह। तो वारिस शाह नूं सुखन दा वारिस किसने कहा? कुलबीर सिंह कांग ने। 17वां प्रश्न, हेठ लिखियां विच्चों पहला रोमांसवादी कवि है? प्रोफेसर पूरन सिंह, प्रोफेसर पूरन सिंह दो बार लिखा गया है, विधाता सिंह ती, भाई वीर सिंह। तां रोमांसवादी कवि है प्रोफेसर पूरन सिंह। पंजाबी साहित्य विच स्टेज दा बादशाह कहा गया है? फिरोजदीन सर सर, नंद लाल नूरपुरी, चरण सिंह शहीद ते हरिंदर सिंह। स्टेज दा बादशाह फिरोजदीन सर्व। धीमे बोलां दा शायर किस नूं कहा गया है? धीमे बोलां दा शायर सुरजीत सिंह सेठी, अवतार पास, सोहन सिंह मीसा, सोहन सिंह शीतल। तां धीमे बोलां दा शायर कहा गया है सोहन सिंह मीसा। अगे है 20वां प्रश्न, पंजाबी साहित्य विच स्टेज दा धनी किस नूं कहा गया है? पहले असी पढ़िया सी स्टेज दा बादशाह, ते हुण असी पढ़ रहे हां स्टेज दा धनी। संतोख सिंह तीर, हरिंदर सिंह रूप, ईश्वर सिंह ईश्वर, विधाता सिंह तीर। ता स्टेज दा धनी कहा गया है विधाता सिंह तीर नूं। पंजाबी साहित्य दा जॉन कीट्स किस नूं कहा गया है? सुरजीत पात्र नूं, भाई वीर सिंह नूं, शिव कुमार बटालवी नूं, प्रोफेसर पूरन सिंह नूं। ता जॉन कीट्स कहा गया है शिव कुमार बटालवी नूं। पहला यथार्थवादी नावल केड़ा है? प्रतापी, प्यो पुत्र, पवित्र पापी, चिट्टा लहू। ता यथार्थवादी नावल पूछा गया है ता आएगा प्यो पुत्र। केड़ी रचना नूं सरस्वती पुरस्कार मिलिया है? कथा कहो उर्वशी, रुख ते ऋषि, लफ्जां दी दरगाह, उपरोक्त सारे। सरस्वती पुरस्कार, तां इन्हां सारिआं नूं ही सरस्वती पुरस्कार जो है प्राप्त है।
पंजाबी विच स्वर वाहक किन्ने हन? दस, आठ, नौ, तीन। ता पंजाबी विच स्वर वाहक हन तीन। अगर स्वर धुनिया पूछ लिया जान ता दस कहना है, अगर स्वर वाहक पूछ ले जा ता तीन। बुल्लां दी स्थिति दे आधार ते किन्ने स्वर गोल हन? बुल्लां दी स्थिति दे आधार ते तीन स्वर, चार स्वर, पांच स्वर जा छे स्वर। ता गोल स्वर पूछे हन बुल्लां दी स्थिति दे आधार ते, ता चार स्वर हन, बाकी छे जड़े हन वह अगोल स्वर हन। ठीक है। छब्बीवां प्रश्न, अर्ध स्वर केड़े हन? यया वउआ, ऐड़ा हाहा सस्सा, हाहा रारा, सस्सा गग्गा, सस्सा यया, सस्सा यया ते सस्सा। तो अर्धवर अर्ध स्वर पूछे गए हैं तो यया ते वउआ, यया ते वउआ। गुरमुखी विच किन्ने चिन्ह वरते गए हैं? गुरमुखी विच 61 चिन्ह, 48 चिन्ह, 26 चिन्ह, 56 चिन्ह। तो गुरमुखी विच वरते गए हैं 56 चिन्ह। इस्त्री नू बागन किसने कहा है? गोरखनाथ ने, चरपटनाथ ने, चरंगीनाथ ने, मशंदरनाथ ने। तो बागन कहा है गोरखनाथ ने। नाटक नू पिंड पद्धर तक लै के गया गुरशरण सिंह, हरचरण सिंह, हरशरण सिंह ते पलवंत गार्गी। पिंड पद्धर तक नाटक नू कौन लैके गया? गुरशरण सिंह। बारिश शाह अनुसार हीर दियां सहेलियां दी गिनती 360 सहेलियां, 60 सहेलियां, 260 सहेलियां ते 160 सहेलियां। ता वारिस शाह अनुसार 60 सहेलियां हन ते अगर दमोदर दी गल पूछी जावे ता दमोदर ने 360 सहेलियां दी गिनती जिहड़ी है दसी है ते वारिस शाह ने 60 सहेलियां दी गिनती। ठीक है, वारिस शाह अनुसार 60 सहेलियां। शाह हुसैन ने किन्निया काफियां रचिया हन? 156 काफियां, 158 काफियां, 160 काफियां ते 163 काफियां। तो शाह हुसैन की गल हो रही है तो 163 काफियां। तो ऐसे जी 30 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। जे वीडियो चंगी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब ते शेयर जरूर करना, कमेंट करना। धन्यवाद।